राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में समापन हुआ। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा सितंबर को कन्याकुमारी यात्रा शुरू हुई थी और आज देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर भारत जोड़ो नफरत छोड़ो के नारे लगाते हुए एकजुटता का संदेश दिया। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय में रैली निकाली गई और रैली के बाद कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करके ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कांग्रेस के महासचिव चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए निकाली गई है। और दूसरी ओर कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखन लाल पटेल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हुआ है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जिले के एक भी विधायक शामिल नहीं हुए। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी जी और वहाँ मैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठता हूँ जी और काम पार्टी की यात्रा में बैठता हूँ जी। आज 30 जनवरी को जो भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ है, किस तरह का कार्यक्रम हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कुल मिला के 7 सितंबर से राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया था और आज उस यात्रा का समापन था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में नमन करते हुए आज हमारी जो 7 सितंबर से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई 3300 किलोमीटर, उसका समापन हो रहा है। तो हम लोगों ने भी जिला कांग्रेस कमेटी ने, राष्ट्रीय प्रोग्राम था पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, आज समापन हो रहा है।